अच्छा जी, तो हम अपना अब सेकंड पार्ट जी प्रोग्राम का जी करेंगे और फारूक साहब आप हमारे साथ हैं। हमारी खुशकिस्मती है, बहुत ऑनर है। आपके बारे में पहले भी थोड़ी बात हुई, पपेट्री के बारे में हुई, इस वक्त हम फोकस करेंगे थोड़ा आपकी ज़िंदगी के बारे में, करंट लाइफ के बारे में बात होगी, लेकिन हम रह नहीं सकते। हम नहीं, कलियां की बात भी वो करेंगे, कैन हम बी जो राइट जो लाइफ साइज पपेट्री थी उसकी राइट, बात भी करेंगे, एक्सपीरियंसेस की भी बात वो करेंगे जिंदगी का हिस्सा बन उससे हम दूर जा नहीं गया सकते। सो फारूक कैसर हमारे साथ हैं और हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो कल का शो था, जो आज का शो है, उसको आप प्लीज़ शेयर कीजिए। PNCA की, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है, उसका ये लिंक आप अपने दोस्तों को अपने फेसबुक पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये पैगामात जो हैं ये हमारे बच्चों तक जाएं, हमारे फ्रेंड्स तक जाएं, इन्जॉय करें इनको। तो फारूक साहब, आप ये बताइए कि पहले तो वो मग्गे वाले पपेट्स थे, जी ठीक है, 76 से वो कलियां का प्रोग्राम शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे आप आ गए लाइव पपेट्स पे, तो बाकायदा पूरे लोग वो पहन के कॉस्ट्यूम और वो करते थे, तो ये स्विच की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? शुआ मंसूर ने करवाया ये। अच्छा शुआ मंसूर एक प्रोग्राम कर रहे थे जो कि लाइव जाना था और लियाकत जिम्नेजियम में, बहुत बड़ा अच्छा हाल है, 5,000 बंदे का। उन्होंने कहा वहाँ तो ये नज़र ही नहीं आएंगे, तो छोटे बड़े बनाओ। पपड़ जी, हाँ तो बड़े अच्छा बनाओ। हाँ हमने कहा अच्छा जी, तो बड़े बनाए तो कभी नहीं है, लेकिन बहरहाल बना लेते हैं, क्योंकि बतख बनाई थी डक, तो क्या किया जाए। तो एक मोटरसाइकिल का हेलमेट लिया अच्छा और उसके ऊपर पेस्ट करके, तो फलाना, यानी शुरू के बता रहा हूँ कि कैसे यानी उसका फेस इतना बड़ा बनाया जितना बनाया हेलमेट। था एग्जैक्टली। अच्छा और वो मासी सरगम ने अपीयरेंस दी, वो इतना ज़बरदस्त हिट गया प्रोग्राम, अच्छा और वो भी मुझे नहीं पता था, वो किसी ने इंटरनेट पे डाला हुआ है, 85 का। रियली really, हाँ जी, अच्छा 85 में जो लाइव किया हुआ, मासी साहब बहुत सुनने वाला, बहुत कमाल है। अच्छा और वो वहाँ से फिर ये हम अच्छा, तो फिर उसको थोड़ा सा रिफाइन किया। फिर मैंने कहा ये हेलमेट शेलमेट छोड़ दें, डायरेक्ट मास्क ही बनाएं ताकि हाँ मुंह हिलाने में आसानी हो, और ये वो हाँ अपना। फिर वो बच्चों को ट्रेंड किया, तो कि मैंने जो बोलना है मुझे तो नहीं पता, मैं तो स्क्रिप्ट आउट ऑफ स्क्रिप्ट भी चला जाता हूँ, आप तो इम्प्रोवाइज करते हैं। तो हाँ इम्प्रूव। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा तुमने मेरे साथ कान पे साथ कान रखना है और तुमने भागना सिर्फ मुंह हिलाना है, और याद रखना कि हर लैंग्वेज में एक सकता होता है जिसे सांस लेना कहते हैं, वो वहाँ रुकता है। तो तुमने गेस करना है कि मैं ये जो बोल रहा हूँ, जैसे मैं अभी मैं हाँ कह रहा हूँ ये बोल रहा हूँ, बस यहाँ तो रुका मैं फिर साथ आगे। जैसे मुंह हिला रही हूं तो तो हाँ वो इतने एक्सपर्ट हो गए बच्चे कि वो हमें फिर मज़ा। फिर हमने कहा कि ये तो इसमें सेट भी नहीं लगाना पड़ता, ये स्टेज पे चले जाते हैं। फिर हमने एक मखसूस कर लिया कि जो बड़ों के, हम दो प्रोग्राम करते हैं, एक बच्चों के लिए टोटली और एक बड़ों के लिए। अच्छा बड़ों के प्रोग्राम में थोड़ा सा मज़ा और किस्म का होता है, थोड़ा करंट अफेयर्स, कुछ हालात, कुछ गाने भी उनके अच्छा मुख्तलिफ होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। तो फिर इनको स्टेज पे हमने कहा आसानी होगी, तो प्रॉपर पूरे प्रॉपर वो हाँ डायरेक्ट बिल्कुल पहन के चले जाते हैं। बिल्कुल होते हम 5-6 लोग ही हैं हाँ और इतने ज़्यादा स्किट करते हैं, वो वही भागते, बड़ा मज़ा आता है, वो पीछे चेंज कर चेंज लेते कर रहे होते कॉस्ट्यूम। हैं, दूसरा पहन रहे होते हैं, पीछे बोलने वाले के और बैठे हों, तो मज़ा आता है। हमने पेशावर में अभी रिसेंटली की है, बहुत अभी मैं शायद एयर यूनिवर्सिटी में किया। मैं कहने का मकसद है कि लर्न करता रहता है आदमी। अच्छा मुझे एक चीज़ पे बड़ी हैरत होती है कि जब आपकी लाइफ साइज, जी उनको पपेट्स कहूँ या क्या कहूँ हाँ मैं, हाँ ठीक, पपेट्स ही ठीक कह है, रहे हैं, ठीक है, लाइफ लाइफ साइज साइज के। पपेट्स चल रहे होते हैं, जी तो वो ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि बोलने वाले पीछे, जी बहुत से बच्चे नहीं बड़े भी वो यही सोचते हैं कि जो ये सामने स्टेज पे लोग हैं यही बात कर रहे हैं। फिर जब वो लाइफ साइज पपेट जो है ना, वो कहता है वो जो बच्चा है ना काली शर्ट वाला, हाँ तो मेरे जैसे लोग जिनको ये पता है कि पीछे से बोल कोई और बोल रहा रहा है, तो एकदम से ऐसे है चौंक जाते हैं एग्जैक्टली कि ये कैसे इनको पता है, और राइट आपको पीछे से, स्टेज के पीछे से कैसे आपको सब चीज़ों का पता है। आप कहते हैं वो जो उसका बाप है साथ बैठा हुआ, कौन है वो, जी तो वो आपको वाकई ऐसे लगता है कि जो बंदा है वो ही बात कर रहा है, राइट। वो आप कैसे मैनेज करते हैं? वो अभी हमने शोज़ बहुत करते रहते हैं, तो सिंध में कहीं गए तो वहाँ पर एक मिनिस्टर साहब थे चीफ, वो स्टेज पे आ गए। अब वो बाबर साहब, बाबर अब्बास, मास्क पहना हुआ, पीछे से हाँ मैं बोल रहा हूँ, हाँ तो वो तो यही समझ रहे हैं कि यही बोल रहा है, तो उसके कान में कुछ कही जा रहे हैं। अब वो परेशान हो गया बाबर कि मुझे कैसे बताया कि क्या कह रहे हैं। तो उसने कहा कि, इशारा किया कि मैं 1 मिनट में अभी आया, तो बात तो मेरे पास, कहते हैं वो पूछ रहे हैं कि आपका सांस तो नहीं घुट रहा है क्या है, तो फलाना लिमका मुझसे अच्छा फारूक साहब कह के। मैंने कहा वापस जा, वापस चले गया। उसने कहा एक्सक्यूज मी, मैं मुझे थोड़ा सा था कि
आपका जवाब देने से पहले, वो जो उसने क्वेश्चन किया था उसका आंसर किया उसने, वो बड़े हैरान हुए कि ये इतनी देर बाद इसका जवाब क्यों दे रहे हैं। वो जब शो ख़त्म हो गया फिर मैं जाके मिला उनसे, मैंने कहा सर वो पीछे मैं बोलता हूँ ये, ओके मुझे मैं भी खाऊं, कहते लेकिन लेकिन ये मुझे नहीं समझ आता आप बोल रहे होते हैं तो एक्ट तो बिल्कुल ये वैसे ही करता है, बिल्कुल वैसे ही करता है, बिल्कुल वैसे जेस्चर्स सारे वैसे। हाँ, मैंने कहा वो मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा उसके भी अभी हम एक दो एग्जांपल्स दिखाएंगे क्योंकि बड़े मजे की चीज होती है, खासतौर पर कॉन्वर्सेशन पता नहीं हम दिखा पाए या नहीं। अच्छा एक फिनोमेना था पूरा ये जो गोरा साहब आपने इंट्रोड्यूस किया और ये लाइफ साइज में ही था, पपट्स के साथ भी ये लाइफ साइज ही, मतलब वो शुरू में आता ही था, आता ही वैसे था वो बड़े। मैं उसको फिनोमेना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप तो जो एक पर्सपेक्टिव दिखाते रहे ठीक है, उस पर आपकी तनकीद भी है सब कुछ है, उसका सैटायर है, लेकिन गोरा साहब ने सडनली पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया कि बाहर वाले हमें कैसे हमें कैसे देखते, ये क्या फिनोमेना। गोरा साहब पहले था कि सरगम और गोरा होते थे, सरगम और क्वेश्चन आपस हाँ में जी, ये आपस में बड़ी डिबेट, फिर वो क्योंकि पहले गोरा नासिर इकबाल बनता था वो अमेरिका चला गया, फिर एक और बनता था कुरैशी वो अमेरिका चला गया, जो भी गोरा हमने कहा ये गोरे का करेंगे अब ये तो हमने उसका मास बना लिया गोरे का। अच्छा ताकि जो सरगम हमने कहा जो मर्जी पहन ले वो मुंह ही लाना है उसने और पीछे फला फला, और वो बड़ा मजा, आपने जो सब्जेक्ट कहा वो बड़ा मजेदार, वो उठा लेते थे एक हम और वो सवाल पूछता वो सवाल वो अपना ही पर्सपेक्टिव बताता, उसकी बड़ी मजेदार गुफ्तगू थी कि हमने देखा तुम्हारा कंद्रा सरगम तुम्हारा कंट्री में लोग रोटी बहुत खाता मोटा बहुत, उन्होंने कहा जी पता नहीं अगले टाइम की मिलनी है कि नहीं, तो एक ही वक्त में सारी रोटी खा जाए, तो इस किस्म की मजेदार बातें होती थी। पर्सपेक्टिव्स आप ना दिखाते थे। एक किस्म है भी अगर चाहें तो हम देख सकते हैं जी, गोरा गोरा साहब भी। हेलो हे मिस्टर सरगम, हेलो गोरा साहब तुमने हमको जगा दिया, हम बहुत अच्छा ख्वाब देख रहा था। मिस्टर सरगम तुम लोग इतना ड्रीम क्यों देखता? इसलिए कि हमारा कंट्री में ड्रीम देखने में ना कोई टिकट लगता ना कोई टैक्स लगता, इधर गरीब बंदे को भी ड्रीम मुफ्त में पड़ता गोरा साहब। ओ अच्छा तुम लोग ड्रीम में क्या देखता? तो भोले बादशाह ये पूछो कि हम ड्रीम में क्या नहीं देखता, हम ख्वाब में बच्चों को सुनहरा मुस्तकबिल दिखाता, तरक्की दिखाता, खुशहाली दिखाता, अदल व इंसाफ दिखाता। फिर क्या होता? फिर कुछ भी नहीं होता, तुम जैसा गोरा लोग हमको जगा देता, हमारा ख्वाब धर्म भरम कर देता। आई एम सॉरी मिस्टर सरगम, सॉरी हमने तुम्हारा ड्रीम तोड़ दिया। कोई बात नहीं गोरा साहब, तुम हमको डॉलर देगा तो हमारा ड्रीम फिर जुड़ जाएगा। मिस्टर सरगम अभी क्या ड्रीम में क्या देखा था? हमने ख्वाब में देखा कि हम एक काला बाग में बैठा हुआ है जिसमें हर तरफ रोशनी रोशनी फैली हुई है। काला बाग में रोशनी? काला बाग में रोशनी कैसे हो सकता? गोरा साहब इसी को तो ख्वाब कहते हैं, ख्वाब में सब कुछ देखा जा सकता। अच्छा ये बताओ गोरा साहब तुम्हारा कंट्री में लोग ख्वाब नहीं देखता? हमारा कंट्री में लोग काम में मसरूफ होता, इस वास्ते उनको ख्वाब देखने का टाइम ही नहीं मिलता। ये बताओ तुम्हारा कंट्री में लोग ख्वाब में क्या देखता? हम लोग चांद से आगे जाने का ख्वाब देखता। फिर तो तुम लोगों को ख्वाब बड़ा महंगा पड़ता होगा गोरा साहब। तुम लोग क्या कोई सस्ता ख्वाब देखता? बिल्कुल गोरा साहब, बहुत सस्ता ख्वाब। सस्ता ख्वाब में क्या होता? गोरा साहब सस्ता ख्वाब में हर तरफ अच्छाई होता, हर तरफ सच्चाई होता, न चोरी होता ना डाका होता, ना दहशतगर्दी होता, ना तकरीबकारी होता, ना करप्शन होता और ना महंगाई होता। ओह नो, ओह यस मिस्टर सरगम, तुम हमको कोई सस्ता वाला ख्वाब दिखाओ, हम तुमको डॉलर देगा। अच्छा डॉलर देगा? Yes. तुम अपनी आंखें बंद करो, हम तुमको सस्ता वाला ख्वाब दिखा रहे। Yes, why not? हम आंखें बंद करता, ये आंखें बंद करता, ये लो। अच्छा अब ये बताओ कि तुमको कोई बुराई नजर आता? नो नो, हमको कुछ नजर नहीं आता। कोई चोरी, कोई डाका, कोई ज्यादती, कोई करप्शन नजर आता? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हमको कुछ नजर नहीं आता। अभी आ जाएगा, अभी नजर आ जाएगा तुमको। हम आंखें खोले? नहीं अभी नहीं। ओके 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 गोरा साहब, अब तुम अपनी आंखें खोल सकता। ओके अब हम आपके खोलता। हाँ ओके, हमारा सामान किधर गया मिस्टर सरगम? हमारा सामान किधर गया? तुम्हारा सामान गोरा साहब रूटीन में गया, हमारा कंट्री में इधर बंदे का आंख बंद होता उधर उसका सब कुछ चोरी हो जाता, तुम अपनी आंखें कभी ना बंद करना।
आंख बंद नहीं करेगा तो ड्रीम कैसे देखेगा मिस्टर सरगम? ड्रीम देखना अवाम का काम होता है गोरा साहब, बड़ा लोग को ना ख्वाब दिखाई देता ना कोई एहतसाब दिखाई देता। ओ माय गॉड, व्हाट अ कंट्री। ये मजे का ना, इसमें हमें दोनों चीजें नजर आ गई, एक तो वो लाइफ साइज जिसकी बात कर रहे थे और परफेक्शन देखिए, अगर बोल कोई और रहा पीछे, इधर मैं बोल रहा हूँ उधर वो, उनके माउथ जो है एग्जैक्टली जेस्चर्स बिल्कुल वैसे दे, आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल जाते हैं, मतलब बड़ों को ही पता है, वो भी कम लोगों को पता है कि पीछे से कोई और बोल रहा होता है। मैं इसी तरह कह रही थी ना, जब स्टेज पे ऑडियंस होती है आप लोग बाकायदा उनके रंग बोल के तो सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा, एक और बड़े मजे की चीज है, यानी आपने इस पपेट्री में भी कितने रंग बदले ना, वो छोटे से लेके बड़े हेलमेट वाला लेके, ये लाइफ साइज। एक और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की जो मुझे लगा कि आप यू आर वे अहेड ऑफ योर टाइम, क्योंकि अब तो हम नेट पे चले जाते हैं ना, अब तो फटाफट चीजें हो जाती है, एडिट करके लगा देते हैं, मगर ये जो मीम्स अब बनाते हैं, वो कोई टुकड़ा उठा लिया कहीं से उसके बोल बदल दिए, ये 10 साल पहले की बात है, उस वक्त तो अभी ये चीजें नहीं डेवलप हुई थी, तो आपने एक बड़े मजे का वहीद मुराद का गाना जी, उस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स भी किए। असल में ये हुआ है कि हमने एक इंग्लिश फिल्म थी पुरानी पीटीवी से, उसको डबिंग पंजाबी में, यानी बोल पंजाबी में डाल दिया, गोल अंग्रेज बोल रहा है, तो लोगों ने बड़ा इंजॉय किया। फिर अमेरिकन एम्बेसी से फोन आ गया कि ये तो आप दिखा नहीं सकते, तो फिर उन्होंने खुद ही हमें हेल्प की कि जो 45 से पहले, 45 या 50 से पहले जो फिल्में हैं उनकी कर सकते हैं, तो फिर हमने पुरानी फिल्में उठाई और उसको डब किया, इतना मज़े ज़बरदस्त डबिंग हुई, और वो कहते थे यही दिखाएं हम, अब वो मुश्किल बहुत होता है, अब हम पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 25 मिनट की का हशर नशर। अब उस हशर नशर से मुझे ख्याल आया कि इसको डालें, ये जो गाने हम गाते हैं ओरिजिनल यही रहें, बंदे यही गा रहे हों, हम बोल बदल दें इनके, और मुश्किल कि बोल कैसे बदलें और मुंह के साथ भी जोड़ना, और फिर मजे की बात है मीनिंगफुल हो, एक स्टोरी हो तो पूरी भी हो। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया जो कि मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि हमारे उस्ताद हैं ख्वाजा नजमुल हसन, उनको दिखाया, वो भी परेशान हो गए, हैरान हो गए, और बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने, वो आप भी देखिएगा जरूर, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रही हो, डरा तो रही जी। तुम कभी भी भगा न सकोगी, मुझे तुम नजर से डरा तो रही हो, मुझे तुम कभी भी भगा न सकोगी, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चुका है, मेरे बाद घर तुम चला न सकोगी, मुझे तुम नजर से तेरे साथ होगे जिधर जाओ, कभी मेरी अम्मी कभी मेरे अब्बू, कभी मेरी अम्मी कभी मेरे अब्बू, भिड़कता उन्हें हर तरफ पाओगी तुम, जो माँ चाहती है मेरी वो नखरे उठाना भी चाहो उठा ना सकोगी, मुझे तुम नजर से
तो बेचैन हो के छुरी थाम दोगे, तो बेचैन हो के छुरी थाम दोगे। न खाया जो खाना किसी ने भी तेरा, किसी से जो पूछा सबक आलू का, पकाना भी चाहो पता न सकोगी। मुझे तुम नजर से डरा तो रही हो, मुझे तुम कभी भी भगा न सकोगी। मुझे तुम नजर। अच्छा फारूक साहब, आपने टोटल करियर के, अगर आप वहाँ से शुरू करें जहाँ से आपने शुएब साहब के साथ काम शुरू किया था, कितने साल हुए तकरीबन एक्सपीरियंस में देख रही हूँ, कितना डेकेड? 71 से काम किया, पास आउट करते ही मैं टीवी में चला गया। और पहला प्रोग्राम जो कि पीटीवी को मिला वो अकड़ बकड़ को मिला, पहला जापान से, फिर दूसरा मेरे प्रोग्राम कलियां को जर्मनी से मिला, तो दो अवार्ड याफ्ता प्रोग्राम। जो शुएब साहब क्या था, वो तो मेरा लर्निंग था वो सारा, उन्होंने मुझे चांस भी बहुत दिया लिखने का, पपेट बनाने का, मैनिपुलेशन का, आवाज़ का, बड़ी मुझे इनक्रेजमेंट मिली। और मैंने फिर इस पर अपनी तरफ से रिसर्च भी की बहुत सी, और इसको मैं आम उसमें ले आया लाइफ में, यानी लोग मानूस हो गए इससे। अब वो कहीं भी चले जाएँ, उनको उठा के चले आप ले जाएँ और कोई भी मैसेज दे दें, वो उनको जहनशीन हो जाता है, क्योंकि स्टेज शो का ये भी फायदा कि मैं खड़ा होकर पूछ भी लेता है सर कि हाँ जी मैंने क्या बात की है बताएं, तो वो कई बच्चे बता देते हैं, कई बड़े बता भी देते हैं, और कई गलत बताते हैं, उनको फिर ठीक कर लिया। टेलीविजन में ऐसा नहीं है। अच्छा, आप हमेशा पीछे रहे ना जी, वैसे तो कहने को सरगम आगे रहा, मैं पीछे रहे। तो जब आप कहीं से भी गुजरते हैं या कुछ, तो लोग क्या पहचानते हैं, या वो अभी भी सरगम को ही अपने जहन में रखते हैं? मेरी बड़ी तबीयत कुछ ऐसी है कि मैं नहीं चाहता मुझे लोग पहचाने। मैं इंडिया में दो साल पढ़ाने, कोई मुझे नहीं पहचानता था, मैं इतना खुश हुआ, अरे यहाँ मैं जहाँ मर्जी फिरूँ। अमेरिका गया पढ़ने के लिए, तो एक आवाज़ आई, फारूक साहब। मैंने कहा मुझे पीछे से कहा, यूनिवर्सिटी में एक साहब मुझे कह रहे हैं फारूक साहब यहाँ क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने कहा मैं भी इधर आया। उन्होंने मुझे एक बात बताई जो मुझे बड़ी हैरत अंगेज हुई, जो मुझे लेके चला मैं आगे। उन्होंने कहा कि दुनिया में दो मुल्क ऐसे हैं जिनके अपने कैरेक्टर्स हैं, एक वॉल्ट डिज्नी और एक पाकिस्तान। अच्छा, मैंने कहा वो तो कमाल बात। फिर वो करेक्टर, फिर वो बढ़ते गए, फिर मुझे लगा कि ये हमारे फैमिली का, माशरे का हिस्सा बन गए हैं। तो एंटरटेनमेंट, तो चूँकि हम खुद अपने प्योर पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट, वो कैरेक्टर्स भी बहुत पाकिस्तानी है, अभी शायद इतने पॉपुलर हुए क्योंकि किसी ना किसी जगह रेजोनेट करते ना। बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और वो फिर हमने करेक्टर, फिर लोगों ने कहा, फिर सरगम का एक ऐसा आ गया कि वो डुअल पर्सनैलिटी है, वो टाई भी पहनता है और पंजाबी भी बोलता है। और तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर आप शलवार कमीज पहन के अंग्रेज़ी बोलते हैं और थ्री पीस सूट पहन के आप पंजाबी या उर्दू बोलते हैं, ये अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम उसके नीचे नहीं आए, वो लैंग्वेज हमारे, हमने तो बड़ा मज़ा आया, बड़े एक्सपेरिमेंट किए। और मुझे ये लगा कि लोगों की मोहब्बत बहुत है, लोगों का रिस्पांस बहुत है, इनक्रेज करते हैं, अच्छा काम करें दुनिया। हमने, आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मजहबी जमात है, उसके लिए भी दो शोज़ किए हैं। अच्छा, वो सुनाइए ना। अच्छा, वो ऐसा हुआ कि मुझे, कि मेरे सर्वेंट ने बताया कि बाहर कोई आपसे मिलने आया, वो आपको बाहर बुला रहे हैं। मैंने कहा उनको अंदर बुला ला कौन। मैंने देखा तो एक साहब खड़े थे पीछे क्लाशनिकोव वाला उनका। मैंने कहा तो वो अंदर आए। मैंने कहा उनको अंदर ले। अंदर आए तो मैंने कहा इनको कहीं देखा हुआ है? तो मुझे वो आते, उन्होंने कहा फारूक साहब मेरा नाम लियाकत बलोच है। वो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा सर आप कैसे जान बारह। उन्होंने कहा कि वो हमारे जो अमीर हैं वो चाहते हैं कि आप जो इज्तिमा हो रहा है इस्लामाबाद में उसमें आप परफॉर्म करें। हमने कहा सर वो हमारा काम तो देखें, हम तो कोई ये काम करते हैं। हमने कहा मुझे उनको पता है, तो आपने, मैंने सिर्फ आपको मैसेज देना था, हमारा बंदा कोई आपसे कांटेक्ट कर लेगा। वो बहरहाल हुआ, हमने 25 को किया, तो मैं मिलने के लिए गया। अब ये फिक्र सुनिएगा, एक मौलाना कह रहे हैं, एक आलम कह रहे हैं, आलम
वो मुझे कह रहे हैं, मैंने कहा सर ये आपने हमें ये काम दिया, ये तो हम जो डर रहे थे आप, तो उन्होंने कहा फर्क तो जितना बड़ा कैनवस आपके पास है इतना बड़ा हमारे पास भी नहीं है। वही अच्छा कम्युनिकेशन की है, उन्होंने कहा यही तो कम्युनिकेशन है आप, क्योंकि हम पॉलिटिकल तो करते ही नहीं हैं, हम तो अपना सोशल सटायर करते हैं, हम में क्या ख़राबी है, ये कैसे ठीक हो सकती है। मुनीर बशीर एक हमारे पुलिस के होते थे, फिर और बेताशा हमारे दफ्तरों में काम कैसे होता है, दफ्तरों में कैसे, तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने एक और शो भी करवाया। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा काम आप और करें तो दुनिया में कहीं वो ना उसकी रिजेक्शन होती है ना उसका क्रिटिसिज्म होती है, अच्छा काम होना चाहिए, यानी आपको बिल्ड कर रहे हैं, किसी को मैसेज दे रहे हैं, किसी को अच्छा काम, तो बड़ा हौसला हुआ हमें। और इस तरह मैंने बताया ना, बड़े लोग तो वहाँ आपको झिझक नहीं महसूस हुई कि भाई किस चीज़ को क्रिटिसाइज करूँ किसको ना करूँ? आप हैरान होंगे कि जब मैं स्टेज पे गया तो उन्होंने कहा जी फारूक साहब झलक दिखाएं, झलक दिखाएं, पीछे देखा मैंने 5 लाख मौलवी बैठे हुए लाइट में, वो आपके करीब ही वो F8 का जो चौक है पीछे फैसल मस्जिद नज़र आ रही है। अच्छा। तो मैंने कहा हजूर मैं तो आप TV देखते हैं, तो आप बहुत से लोगों ने आवाज़ दी आपका प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा बड़ी खुशी, मैंने कहा तो आपके बड़े हैं जो उन्होंने तकरीर करनी है, मैं बीच में नहीं नहीं कुछ सुना दें, कुछ शेर ही सुना दें, मोहब्बत देखी लोगों में। अच्छा ये तो हर शुभ अच्छा काम हर बंदे को हर एक को भाता है, क्योंकि हम जब जाते थे तो वहाँ पर कहते थे, एक जगह चले गए हम यूनिसेफ के साथ तो पता चला यहाँ बिजली नहीं है, हमने कहा बैटरी ढूंढो, तो एक अजान की आवाज़ हो ना मस्जिद भागते हुए गए, वो अजान देने के बाद हमने कहा बैटरी चाहिए, उसने कहा की करनी, उन्होंने कहा जी हमने एक प्रोग्राम, तुसी कौन हो? हंसी कहा जी हम इस्लामाबाद से आए हैं, प्रोग्राम करना है। वो की है प्रोग्राम? मैंने कहा भाई जो आप करते हैं। उन्होंने कहा मैं तो पढ़ाना है थे इमाम मस्जिद। मैंने कहा आप आइए ना आपको दिखाते हैं। वो बेचारे ने बैठो अब हमें नहीं इस बार किया, वो टोकरी में लेके बैटरी हमने वो लगवाई तो 3-4 करेक्टर से किया। जब हम वो कर बैठे शो तो उन्होंने कहा मेरी मौलवी साहब कह रहे हैं मेरी बात सुन के जाइएगा, ये तो मैंने आज देखा है, ये तो हमारे बच्चों की बात कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि सब सफाई क्या चीज़ होती है, साफ कैसे रहना है, स्कूल कैसे जाना है, पढ़ना क्या है, सेहत क्या होती है, ये तो वही बातें कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर आपका अगर अच्छी लगी है तो आप अपने जब मस्जिद में खुतबे में उसमें भी ये जिक्र किया करें कि ये बच्चों को ये चाहिए। तो उसने कहा एक अजीब फिक्रा मुझे कहा, उसने कहा चौधरी साहब से कह दें इजाज़त दे दें। अब पता चला कि कैसा जाल बिछा हुआ है कि वो चौधरी साहब के अंडर, यानी चौधरी साहब कहेंगे तो वो करेंगे, फिर हम चौधरी साहब के पास चले गए। अच्छा। वो एक यंग सा लड़का था। अच्छा। उसको हम वो बड़ा उसने अप्रिशिएट किया कुर्सियाँ, वो फारूक साहब हमने कहा भाई इनको बुलाया, उन्होंने कहा बुलाओ इसको, मैंने कब मना किया, वो आ गया मौलवी साहब, उन्होंने कहा सर कहते हैं वो तुम इजाज़त दोगे तो फलां। उस साहब ने मुझे बताया, मुझे चौधरी साहब थे यंग लड़का था अच्छी 30-40 साल उसकी, उसने मुझे कहा कि फारूक साहब इस जिस जगह आप शो कर रहे हैं राजनपुर का कोई गांव था, यहाँ पर तो हम इजाज़त ही नहीं देते इस चीज़ का। तो हमने कहा क्यों? कहते हैं जी भी पिछले साल एक लाहौर से टीम आई थिएटर की, उसमें उन्होंने एक नाम लिया जिसको मैं जानता था, इफ्तखार ठाकुर को शायद, तो वो भी था साथ, तो हमने हाकिया लेके पुल पे खड़े हो गए, उनको नहीं आने दिया, वापस भेज दिए। मैंने कहा अच्छा तो मैं कैसे? कहते हैं आपकी नौयत हो रहा है, आप इंसानों की आपके में ना लड़कियां हैं ना औरतें हैं, आप पपेट हैं। तो मुझे ये एक बात, नॉर्थ में कहीं गई वहाँ पर एक TV पड़ा हुआ था, मैं अंदर चला गया, साथ यूनिसेफ की हमारी खातून थी लेडी, तो उन्होंने कहा कि ये TV रखा, TV देखने नहीं हमें इजाज़त नहीं है। तो ये TV क्यों रखा? कहते हैं मर्द देखते हैं, ये मर्दों के देखने का। उसने कहा अच्छा तो आप में भी कुछ देखते हैं? कहते हैं एक प्रोग्राम देखते हैं बुढ़ावों का, उनको हमारे ही प्रोग्राम देखते थे। अच्छा। उनको नहीं पता था ये। अच्छा ये फिर मैंने अपने कट थ्रू कर जाता है फिर सारे अपने रिपोर्ट में लिखा जो कि WHO की उसमें छपा कि इसकी पावर कितनी है, पपेट पावर यहीं से आया। हाँ। ये तो ड्राइंग रूम में अंदर घुस जाती है लोगों के और ये बेजरर है और उस माशरे में, और उस माशरे में जहाँ पर टेलीविजन देखना मना है ये वहाँ भी इफेक्टिव है। तो फिर मुझे लगा कि आप छोड़ दो सारे काम, जॉब छोड़ दी, सारा कुछ छोड़ दी, इस पर एम्फेसिस इस पर दो, इस पर तवज्जो दो, ये एक ऐसा काम है ये आप का रिस्क तो लगेगा, लेकिन दूसरा है कि जो जो नस्ल आप देखें ना आप याद करते हैं सारे। हाँ। बड़े भी याद करते हैं, वो बच्चे भी याद करते हैं, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं तो नेट के बच्चे हैं, लेकिन जब अच्छा काम आप देंगे वो उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, क्योंकि नेट पे भी अच्छा काम अच्छा, और सब राइट, राइट। अच्छा आपका ये पावर की बात कर रही हूँ कि
जैसे ब्यूरोक्रेसी है, जैसे पॉलिटिक्स है, जैसे शोबे हैं, आप उन सब पे बात करते रहे, एक छोटा सा देखे ना आप, आपका बल्कि वो लगेगा कि आपके अपने अपनी मीटिंग है कोई पीएनसी है और वो ये 30 साल पहले का है। अच्छा, मेरे पे डायरेक्ट नहीं आता। चलिए देखते हैं, चलो देखते हैं, मगर लोड ऑफ डायरेक्टर्स। ये इस पपेट की टीम में नए आए हैं, लिहाजा आपको चाहिए कि आप हमारे साथ फुल कोऑपरेट करें। सर आप तो जानते हैं कि हम काम करने वाले लोग हैं और अब हम आपके साथ आके इंशाल्लाह काम करेंगे। भाई मैं यही चाह रहा था वैसे आपसे, और मुझे तोको भी यही थी। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, एज एक्टिंग चेयरमैन मैं आज की लोड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का एजेंडा पूछ रहा हूँ। जनाब एक्टिंग चेयरमैन साहब, हाँ? आज हमने कल्चरल ट्रूपे यानी सकाफती ताइफे को बाहर भिजवाने के लिए गुलूकारों की सिलेक्शन करनी है। कहाँ भिजवा रहे हैं हम ये सकाफती ताइफा? सर अमरीका भिजवा रहे हैं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। अच्छा, कौन कौन जा रहा है इस ताइफे के साथ? आप बताइए डायरेक्टर, खिलानी खिलानी। थैंक यू सर, थैंक यू जी। इस सकाफती ताइफे में सर हम 2 अवामी गुलूकार और 2 सरकारी चौकीदार भिजवा रहे हैं। 2 अवामी गुलूकार और 2 सरकारी चौकीदार? क्या गुलूकार जेरे हरासत परफॉर्म करेंगे? नहीं सर नहीं, बात दरअसल ये है कि गुलूकारों की निगरानी के लिए अगर सरकारी अहलकार साथ ना जाएं तो हमारे अक्सर फनकार दूसरे मुल्कों में पहुंचते ही स्लिप हो जाते हैं। ऑब्जेक्शन सर। जी फरमाइए, आपको क्या ऑब्जेक्शन है? सर यूरोप और अमेरिका में क्योंकि सड़कें पक्की होती हैं, लिहाजा वहाँ स्लिप होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्लिप तो बंदा वहाँ होता है ना जी, जहाँ कीचड़ बहुत ज्यादा होता है। देखिए जी, अगर कोई बेचारा गरीब फनकार किसी बड़े मुल्क में स्लिप हो ही जाता है तो उसमें उस बेचारे फनकार का भी भला है और हमारी सरकार का भी। वो कैसे लेडी डायरेक्टर? वो ऐसे जी कि अगर फनकार स्लिप होगा तो वो या तो वहाँ पकड़ा जाएगा या फिर वहाँ सेटल हो जाएगा। दोनों सूरतों में उसकी वापसी की टिकट का खर्चा बचेगा। गुड आइडिया, इस तरह एक तो हमारी आबादी का तनासुब ठीक रहेगा और दूसरे फनकारों को आगे आने का मौका भी मिलेगा। अच्छा अच्छा, जिन फनकारों गुलूकारों को हम बाहर भिजवा रहे हैं उनके नाम क्या है? हैं जी सर, ये एक लिस्ट मैंने बनाई है, देखिए इसमें, इस लिस्ट में ये देखिए 2 डायरेक्टर्स हैं, 2 हेल्पर्स के नाम है जी। 2 डायरेक्टर्स, 2 हेल्पर्स? मैं गुलूकारों के नाम पूछ रहा हूँ डायरेक्टर, खिलानिंग प्लानिंग। वो तो सर हम 2 कोई भी गुलूकार पकड़ लेंगे, आप ये नाम तो प्रूव करें सर। सर अगर हम अवामी गुलूकार कसीर लोहार और शोका जट को भिजवा दें तो इसके दूर रस नताई निकलेंगे। ऑब्जेक्शन सर, अगर ये 2 गुलूकार अवेलेबल ना हुए तो उस सूरत में हम अपने कोई भी पसंदीदा बंदों को अवामी लिबास यानी फोक ड्रेसेस पहनाकर परफॉर्म करा देंगे। मगर वो 2 बंदे कौन होंगे? भाई कोई भी हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं। मगर सर हमें तो गाना आता ही नहीं है। कमाल करते हैं आप शायद नए आए हैं, हम ये तजर्बा कई बार कर चुके हैं। देखें जी, बाहर के लोगों को ना हमारी जबान समझ में आती है और ना वो हमारे गुलूकारों के चेहरे जानते हैं। वैसे भी वो हमारे फोक ड्रेसेस में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सर मेरे ख्याल में तो हमें 2 गुलूकारों के साथ अपने 4 बंदे भिजवाने की बजाय 4 साजिंदे भिजवाने चाहिए ताकि प्रोग्राम अच्छा हो। नो सर, ये बात नहीं सर। सजिंदे भिजवाने से तकरीबन 1 लाख रुपए का खर्चा उठ जाएगा हवाई जहाज के टिकटों का। इसके लिए हमने ये सोचा है कि 1 30 रुपए का कैसेट भिजवा देते हैं गुलूकारों के साथ। 30 रुपए की कैसेट? जी हाँ सर, सारे गाने उसमें रिकॉर्डेड होंगे जी और स्टेज पर बंदे सिर्फ मुंह हिलाएंगे। आजकल यही तो हो रहा है सर। एक्सीलेंट आइडिया, वैसे भी सजिंदे बेचारे बाहर जाकर परेशान ही होते हैं, देसी रोटी नहीं मिलती, अंग्रेजी नहीं आती है। सर एक और आइडिया भी है जी, इससे हमारा सारा खर्चा बच जाएगा जी। जी फरमाइए सर। अगर हम हुकूमत को ये मशवरा दें कि आइंदा जो भी फनकार बाहर भेजा जाए उसके हाथ में कोई हुनर जरूर हो जी। मसलन सर, फनकार अगर पेंटिंग, डेंटिंग, शटरिंग, गार्डनिंग और वॉशिंग का काम जानता हो ताकि अगर वो वहाँ स्लिप हो तो अपने लिए भी कमाए और मुल्क के लिए फॉरन एक्सचेंज भी जी। गुड आइडिया, आप ये प्रपोजल तैयार कीजिए। सर अगर हम ये सारा खर्चा भी ना करें और सिर्फ एक पेंटर को बाहर भिजवा दें तो काम आसान हो सकता है। पेंटर? कौन पेंटर? सर एक है, बहुत अच्छा पेंट करता है, अकेले आदमी का खर्च भी कम उठेगा।
वेरी गुड आइडिया अप्रूव्ड. आप किसी वक्त उस पेंटर को मेरे घर भिजवा दे ताकि मैं उसका टेस्ट ले सकूं. मेरी गाड़ी का पेंट बहुत खराब हो रहा है. सर गाड़ी का पेंट? सर मैं तो उस पेंटर की बात कर रहा हूं जो तस्वीरें बनाता है. ओह नो आई सी. इसके बारे में हम अगली मीटिंग में डिसाइड करेंगे. मीटिंग एडजर्न. वर्किंग लंच लाओ भाई. तो ये था मीटिंग का और हमारे डायरेक्टरों में काम दफ्तर और ये में काम. बातें अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं नहीं कह, नहीं कह सकती. लेकिन हमने किसी और एंगल में ये कहा और मुझे बहुत अच्छी आपने बात की. अगर यहाँ एक्टर होते तो मुसीबत पड़ जानी थी. एक्टर नहीं होने चाहिए. और हमने पपेट्स का कहा. पपेट्स का ये बनाया कि फ्लैट फेसेस मैंने बनाए. कोई एक्सप्रेशन नहीं हो. अगर बादशाह बनाएंगे तो बादशाह वाला होना चाहिए. मलका बनाएंगे तो मलका, तो वो मलका ही करेगा. हमने कहा फ्लैट बनाओ. वॉइस देने वाला जो पीछे है उसके एक्सप्रेशन से पता चले ये कौन है. तो वो एक्सपेरिमेंट भी कामयाब हुआ और रियल लगा. अच्छा, आपने जैसा वो एक मौलवियों के इज्तिमा की बात की थी तो उलमा थे और जो भी थे वहाँ पर, आपके जोक्स किस तरह से लिए गए और किस किस्म के आपने जोक्स? हमने वहाँ पर जोक्स किए पुलिस पे किया. अच्छा. हम दफ्तर में कैसे काम करते हैं, फिर जो सोशल हमारे हैं इश्यूज हैं और उसमें. और आपको बाकायदा प्रॉपर क्लैप करते थे. मैं तो क्लैपिंग पे हैरान होता था. अच्छा, ये मैं हैरान होता था इतनी इनको पसंद है. बीच में तो बहुत सीखा भी बहुत वहीं पर. अच्छा, डर उतर गया. वो अच्छा काम करोगे तो अप्रिसिएशन ही मिलेंगे डरने की. तो एक चीज़ मैंने नोट की कि हमें ना एक चीज़ की कमी हो गई है कि हम इंटरेक्शन हमारा दूसरे मुखालफ से वो बात ही नहीं करते. दिस इज़ वेरी बैड. बात करनी चाहिए. कहीं ना कहीं भी निकले एक रास्ता निकल आता है. और फलां 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 क्योंकि लिबादों के नीचे है तो एग्जैक्टली वही है. माँ बाप हैं, बच्चों का ख्याल है. बिल्कुल बहुत सी चीज़ें हैं. बहुत सारे हैं जो कॉमनैलिटीज हर चीज़ में है. अच्छा, आपके ऊपर एक ज़माने में मुझे याद है, पता नहीं मैं कितना सही मुझे याद है, लेकिन एक ज़माने में यह था कि लोगों ने लैंग्वेज ख़राब कर रहे हैं. हाँ, क्योंकि वो हर कोई बोलना शुरू हो गया था, ये हैगा वो हैगा. और इस तरह से ना स्कूल में कॉलेज में तकिया कलाम जो होते थे ना, ये जिस तरह नोनी पाका किया था कर लो जो करना है तो ये इतने ही घुस गए थे. और उर्दू को पंजाबी में मिक्स करना, बीच में पश्तो ले आना, तो ये वाकई रियल क्रिटिसिज्म था या वो लोगों को ऐसे ही? एक काम तो मैंने जानबूझ के किया कि मुख्तलिफ लैंग्वेज को मिक्स करना. ये मैं चाहता था कि ये हो. लैंग्वेज वरना डेड हो जाती है. लैंग्वेज के अंदर ऐड होना चाहिए तब वो जिंदा रहती है. दूसरा जो ये था कि मैं उन्हें कहता था मुझे कोई एक लफ्ज़ बता दो जो मैंने अपनी तरफ से याद किया. ये बोला जाता है इधर. ये ऐसे लोग हैं. ये हैगा अभी भी है बहुत से जो हमारे मौजूद है. जैसे पानी में दूध हैगा, सुबह हैगा, शाम हैगा. अच्छा, तो इस तरह मैं वो ना बाकी भी ऐसे था. मैंने कहा जी इसकी मीनिंग पे जाया करने हैं कि वो जिसने आगे से आपको निगेट करना है वो आपको यही कर लेगा. कर लो जो करना है, मैं तो कर रहा हूँ. और मैं ये समझती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कह लें जो हमारी ज़ुबानें हैं उनको प्रमोट करने में और पाकिस्तान उनकी बहुत सारी इज्जत बरकरार रखने में मेरे लिए वो बहुत मेरे दिल के करीब है वो एजेंडा. तो मुझे ये लगा कि वो जो एक एक तोड़ा ना आपने क्या कहें बुतखाने में क्या तोड़ा है वो ये था कि जो प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज थी ना उससे बड़ी क्लास बन गई हुई थी कि भाई आप अच्छी उर्दू विदाउट एनी एक्सेंट तो आप ये आप फिर पढ़े लिखे वरना आप जाहिल और पेंडू हैं. तो वो जो आपने तोड़ फोड़ करके ना और पॉपुलराइज कर दिया तो आपने जबान को भी मैं तो समझती हूँ खिदमत की कि उसको आपने क्लास से तोड़ा. वो मैं हमारे उस्तादों जैसे हैं बहुत बड़े इंसान फारूक बुखारी पेशावर के. वो एक बार कहीं लोगबिर से आए अक्सी साहब से कहने लगे ये फारूक आपके तो बुलाओ इसको. मैं चला गया. हम तो वैसे बड़े फैन थे. पेशावर का हवाला भी था जी. मैं ये कहने लगे तुम्हें पता तुमने हम 40 साल से काम कर रहे हैं वो तुमने एक 4-5 प्रोग्रामों में कर दिया. मैंने कहा सर मैंने क्या किया? कहते तुमने अपने प्रोग्राम में हिंद को इंट्रोड्यूस करवाया. अरे अच्छा. हमारा नासिर इकबाल मैम चूंकि मुझे तो हिंद को आती थी तो मैं तो हिंद को में लिखता था उसके लिए. और वो कहते हम 40 साल से मर गए हैं इसको इस जुबान को एक्नॉलेज कराने में. तुमने 3-4 प्रोग्राम में करवा दिया.
मैंने कहा साहब ये बंद नहीं होगी, अब देखिएगा आगे मैं क्या करूँ। वो आपने जो बात की कि ये लैंग्वेजेस की जो आप बहुत खुद बहुत काम करती हैं इस पर और मैं अक्सर देखता भी रहता हूँ, कमाल चीज़ है ये। तो अगर आपको वो लैंग्वेज मिक्स हो जाए तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, और दूसरा ये कि अगर वो लैंग्वेज कम्युनिकेशन का मतलब ही लैंग्वेज में सबसे बड़ा फैक्टर इसमें लैंग्वेज है कि आप कम्युनिकेट कर सकें, और उसके लिए हमने कोशिश कम की, लेकिन उर्दू ये ब्रिज लैंग्वेज है। अब देखें ना नॉर्थ में चले जाएं, कहीं चले जाएं, वो चाटोटी बुड़ी से ही वो बोल लेता है। देखिए ना फारूक साहब, अंग्रेजी जो है जी, ब्रिटिश जो है वो अंग्रेजी अपने एक्सेंट से बोलता, अमेरिकन अंग्रेजी अपने एक्सेंट, वो तो एक दूसरे को नीचा नहीं देखते ना। अच्छा फिर जो फ्रेंच होगा वो अंग्रेजी बोले तो वो कितनी टूटी फूटी बोलता है, तो हम उसी को वाह वाह करते रहते हैं क्योंकि वो फैशन बन जाता है। और अंग्रेज ऑस्ट्रेलियन मुंह गोल गोल करके घुमा के अंग्रेजी बोलता है, वो उसका फैशन बन जाता। मगर हमारे यहाँ जहाँ दूसरी जबान का शेड आए तो हम उसको यूं धत करते हैं। ये देखें ना आपने, आपको मैं जानता हूँ कि जितना आपने सर्विसेज में दी है और जितनी क्वालिटी आपने दी है उसमें एक ये बड़ा ज़बरदस्त अंतर जो भी आप बता रही हैं कि मुझे कोई चीज़ बता दें। मैंने किस जब मैं डार्क टाइम करता था नादिया के साथ तो ख़त भी आते थे बड़े, तो मैं उनको कहता था कि कोई चीज़ सुबह उठने के बाद पूरा दिन अंग्रेज़ी का कोई लफ्ज़ ना हो। कहते नहीं नहीं आते थे ख़त नहीं बोल सकते, कोई ना कोई चीज़। मैंने कहा एक नॉलेज, जिससे आपकी क्वालिटी है, एक नॉलेज करना चाहिए, कोई ज़ुबान हो एक्सेप्ट करना जो इजी लगे आपको। मैंने कहा बल्ब को क्या कहेंगे आप, किसी ने लिखा कि कुमकुमा, मैंने कहा कुमकुमा ज़्यादा मुश्किल है, बल्ब कहना आसान है। तो उसको एडॉप्ट करना चाहिए इसके बजाय। तारिक रहमान है हमारे, मैं कहूँगी लिंग्विस्ट, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि जो चीज़ आ जाए ना बोलचाल में वो एस्टैब्लिश हो जाती है, आपको उसकी हर वक्त रूट्स फॉलो और रूट का मायने फॉलो करने की जरूरत नहीं होती नहीं, वो जो उस ज़बान में उसका मतलब हो गया वो हो गया वो एस्टैब्लिश हो जाता है, तो इसको आप असिमिलेट करते हैं। मुश्किल, और उर्दू में कहता हूँ कि हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमारा लिटरेचर सारा इसमें, यही हमारा रابطہ है, यही पंजाबी का हाल है, यही सिंधी का हाल है, यही पश्तो का हाल है, सब जुबानों में ऐसा ही है। अब इसको जब मिक्स करेंगे आप तो फिर एक तो कल्चर का पता चलेगा, दूसरे लोगों के रहन सहन का पता चलेगा। मैं एक जगह, हमने एक शो करना था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए, उन्होंने मना कर दिया कि आज का हालात ठीक नहीं है, पेशावर ना जाएं आप। अच्छा। हमने कहा मैं तो वहीं पला हुआ हूँ, आप छोड़ दें। उन्होंने कहा फिर अपने खर्चे पर चले जाएँ। अच्छा। आप हम चले गए बारह वहाँ पर एक शो किया एक हॉल में, वो बच्चे बढ़िया औरतें रोई जाए। अच्छा। क्या आपको क्या हुआ? हाँ। वो हम इतनी थी तो आती थी ये शो देखने, अब हमारे बच्चे हैं उनको दिखाने यार, और फला फला बड़े। तो बीच में एक खान साहब भी बोले, अच्छा क्या हम स्वाभी में उधर आप हमारा शो करेगा? हमने कहा जहाँ आप कहेंगे आ जाएगा स्वाभी। हाँ, कहते आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा जी वो मुझे, हमें तो डराया था उन्होंने, मुझे क्यों डर लगना, हमने कोई गलत काम नहीं किया। दूसरी याद रखिए, अगर हमने आपने हमें गोली मारनी है तो तुम मारनी है, तो मारनी वो तो मारनी है, वो तो से नहीं, मौत से नहीं बच सकते। बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा आप कौन है? कहते मैं तालिबान। तालिबान मुझे कह रहा है कि आपने शो करना है। मैंने कहा क्यों? कहते ये जो बातें हैं ये हम चाहते हैं अपने बच्चों को दिखा, अरे ये हम सिखाते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि फिर मुझे फिर और हौसला हुआ कि अच्छी बात दुनिया में कहीं भी करें आप, चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे फ्रांसीसी में हो, चाहे उर्दू में, वो एक्सेप्ट हो जाती है। और देखिए फारूक साहब, आप ना स्टीरियोटाइप भी तो टूटता है ना, कि हम जो कहते हैं भाई ये सिर्फ ये चीज सिर्फ ऐसे ही लोगों को पसंद आएगी, वैसे हमारे होते हैं। अब रेटिंग तो आजकल पता नहीं क्या मैजिकल फॉर्मूला है कि जिसकी मिस्ट्री है पूरी, लेकिन ये चीजें बताती हैं कि हम भी तो स्टीरियोटाइप बैठा लेते हैं अपने जहन में ना। अब ये इश्यूज हैं, ये हर एक की जिंदगी के इश्यूज हैं। अब ये बड़ी बीच में आपको एक मुझे उन्होंने कहा कि ये नहीं, ये मैंने कहा जी मैंने एक शायरी की एक क्लास चंग करना है, तो उसका नाम मैंने रखा हुआ है वो अदबी जो हमारी महफिल है, तो अदब तो आपने ख़त्म ही कर दिया, और ना मैंने प्रेजिडेंट को भी किसी को कहा था, तो उसका मैंने अदब अलहदा कर दिया, तो उसका आ गया एक दबी महफिल। तो था भी ऐसी, उसके अंदर वो शेर व शायरी वो हम ओपनली बोलते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो ये फिक्र नहीं जा सकता। हमने कहा अच्छा जी, रिश्वतें लेनी है हराम है, जो देना है वो भी हराम, तो इस किस्म का कोई शेर था। तो मैंने उस पढ़ता था संतरी, अच्छा। पुलिस वाला तो कहता कि आगे, कहता आगे डडना खुद समझ जाए, वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया।
जहाँ आपने कोई ऐसी बात करनी थी ताकि डिजाइन डिजाइन कह देते थे। तो अच्छा आपको पता है ये कितना लोगों में कितना पॉपुलर हो गया था? एक्जेक्टली, क्योंकि हर कोई ये करने लग गया था, आधा जुमला बोलता था आगे डिजाइन डिजाइन डिजाइन। बिल्कुल सही। तो ये लर्न भी होता बहुत, और इंसान को कम्युनिकेशन का मुझे फिर अंदाजा हुआ कि ओहो कम्युनिकेशन तो असल ये है। अच्छा आपने जिस तरह ये आपने मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोगों के लिए भी किया, मैंने जिस तरह जुबान का भी कहा कभी कभी लोग क्रिटिसाइज करते थे, तो पॉलिटिशियंस को आप ऐसे हाथ डाल लेते थे, वो नहीं कभी आके मारते थे मुक्का कोई कि भाई ये क्यों आपने कर दिया? पॉलिटिशियन में आप हैरान होंगे कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स को सबसे बुरा समझा जाता है, वो सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि लोगों को सर्व करना है आपने, आपके पास पैसा है तो आपने पैसे से, आपके अकल है तो अकल से सर्व करना है, हमने उसको उलट ले लिया, सियासत को हमने झूठ और सियासत को फलां 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 स्टिग्मा लगा दिया ना बहुत। अब मसला ये है कि वापस जब हम प्राइवेट शोज में बड़ी मज़ेदार बातें भी करते थे, एक जगह पर एक प्रेसिडेंट साहब थे तो हम गवर्नर हाउस में शो कर रहे थे तो कहा अंकल आ गए हैं प्रेसिडेंट साहब जल्दी से आइए, कहते हैं मुझे सिक्योरिटी वाले ने रोक लिया था, उन्होंने कहा हैं क्यों आपको, तो उसने कहा फिर वो आप हम कहते हैं आपके पास कार्ड नहीं होगा, उसने कहा नहीं कार्ड का देखा ही नहीं उन्होंने, कार्ड तो मुझे दिए मैं आर्टिस्ट हूँ, तो उसने कहा फिर अंदर कैसे आना चाहिए, कहते हैं गौर से देखो मेरी शक्ल गवर्नर साहब से मिलती है, वो मिलती भी थी। अब मजा क्या है कि उन्होंने भी इंजॉय किया। और पॉलिटिशियन जितने भी हैं वो माइंड नहीं करते, वो इंजॉय करते हैं, अवामी लोग हैं, अवामी लोग, और हम उनको इतना भी नहीं करते, हम कहते हैं कि देखें आपके बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप हमने बिजनेस बना लिया उसको जो भी किया है, तो हमारे लिए सबसे आसान तरीका अब यही है कि हम मेरे कार्टून में भी ज़्यादा होता है इनडायरेक्ट होता है, लेकिन बस जैसे अभी एक रजिस्ट्रेशन के वो ट्रेडमिल पे ना सरगम, तो मासी खड़ी कहती कि ये क्या कर रहे हैं, उसने कहा डॉक्टर ने कहा है कि अगर खा के हजम करना है तो ऐसे ही भागो जैसे मुल्क से बाहर भागा जाता है। अब ये पॉपुलर हो गया और ये बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। फिर हमारे गाने ऐसे थे, 1971 में एक गाना लिखा मैंने, अक्कड़ बक्कड़ पम्बे पो रात बजे जब पौने दो, चोरी चोरी शहर को निकले चिड़िया घर से गेंडे दो, फिर आगे एक होटल पे पहुंच के दोनों पी गए जस लस्सी के जग नोनों ऊपर से पेड़े भी के, ऐसे ने बैरा बिल जब लेकर आया दोनों गेंडों ने गश खाया, होटल का मालिक ये बोला थाने इनको ले चलो, फिर थाने में हुई पिटाई गेंडों को नानी। अब ये अरशद ने गाया हुआ है और गौर करें तो सारा सियासी है, और आजकल के हालात में अब हम क्या करें, फिर अब वो मिल जाते हैं ऐसे। अच्छा वो बच्चों को सुनते हैं, वो इतना पसंदीदा गाना, अरशद भी कहीं कहते हैं कराची में 71 में रिकॉर्ड हुआ हुआ, वो चलते ही एप्लीकेबल है, है? एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल आज भी, अभी आप देखेंगे कि उसमें लगेगा कि ये आज के जो अभी सेनेट के इलेक्शन है उस पर लिखा हुआ है, हालांकि 30 साल पहले के लिखे हैं 1993 में। अच्छा एक आपका था नोट, नोट नोट भी भट गया वोट भी घट गया, वोट भी घट, असल में ये फिक्र ऐसे हैं कि मुझे वो चेंज करने पड़ते हैं ना उस सेंस, लेकिन हमारे एक पॉलिटिशियन है उनका पपेट बना के किया, और ये यूनिवर्सल है, यानी कि हर हमारे जो सियासत में जो कुछ होता है वो उसमें पे चले देखते हैं। Yeah.
बहुत अच्छा जी, ये मेरे ख्याल है हर पॉलिटिशियन पे एप्लीकेबल हो जाता है या पॉलिटिकल सिचुएशन पे हमारे यहाँ पॉलिटिक्स होती कैसी है, हम एक जगह नहीं ठहरते और एक उस पे नहीं, नजरिया नहीं है, तो नजरिया होना चाहिए, स्विच होता रहता है जी, स्विच। अच्छा, आप थोड़ा सा हम बात करें, जो हमने कल भी कहा था कि आपकी फैमिली की थोड़ी बात करें, तो आपकी बेगम की माशाल्लाह पर्सनैलिटी इतनी ज़बरदस्त है, उनकी प्रेजेंस इतनी ज़बरदस्त, तो उनकी कहानी कहाँ से हमें बताएंगे आप, कहाँ से शुरू करें? मेरे अम्मी आई जब मैं अकेला रहता था, मैं और अकबर सुभानी एक ही फ्लैट में थे, हमने मिलके लिया हुआ था सुपरमार्केट के ऊपर, 60 रुपीज़ पर मंथ किराया था। अच्छा। जो हम 30 रुपये मिलके देते थे, और बड़ा लगता था कि पूरी दौलत ही चली गई हमारी, क्योंकि मेरी तनख्वाह 600 रुपये थी। अच्छा। अकबर की 450 रुपये फिक्स थी हमें। अच्छा। कोई गला तो अम्मी आई, उन्होंने कहा कि तुम्हारी एक कज़न होती है तो उनसे मिले। मैंने कहा जी मुझे तो नहीं पता। उन्होंने कहा अच्छा, डांट पड़ी। उन्होंने कहा बुलवाओ जी, आ गई। उन्होंने कहा ये तुम्हारी कज़न है। हमने बोले क्यों, मैंने गोल्ड मेडल लिया हुआ था नेशनल कॉलेज से, मेरे पाँव ही ज़मीन पर नहीं लगते थे। तो वो आके उन्होंने कहा कि मैं आपकी, उन्होंने सलाम सलूम किया, हॉस्टल में रहती थी वो, करीब ही था हमारे। अच्छा। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे कमरे में बैठाया, मैं कमरा देख रहा हूँ, वो एक जूते का आतिशान में पड़ा हुआ है, एक ऊँटों की तीन वो जो लकड़ी के होते हैं, और एक टेढ़ा एक टेढ़ा हुआ ऊँट खजूर पर इस तरह के, और एक कर्टन का रिंग टूटा। तो अंदर आई, उन्होंने कहा कि आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा ये भी आर्जी तौर पे एक फ्लैट है जो ये। आपने उनके कमरे का नक्शा खींचा, अपने कमरे नहीं, उनके कमरे, उनके कमरे। अब मैं उन कमरे में बैठा हूँ, और मुझे बददिली से बैठा हूँ कि अम्मी ने चूंकि कहा हुआ तो चलो हम मिल के आ जाते हैं। तो वो कह रही हैं कि अच्छा, तो मैंने कहा जी आप सुपर मार्केट में रहता हूँ। अच्छा ओके, तो आप जब कोई किराए का आप घर लेंगे तो उसको डेकोरेट में करेंगे? मुझे आग लग गई। मैंने कहा ये डेकोरेट करेगी? अच्छा। उसके बाद वो फिर एक बार और मिली मुझे, तो उन्होंने कहा आप, मैंने कहा ऊपर हम रहते हैं, तो हम चलें फिर हम चाय पीते हैं आपकी तरफ। वो ना हमारे घर में बर्तन ना कुछ, मैं और अकबर सुभानी दोनों ही, और जाके आ गई। तो जो उनका एक मुलाजम था, वो कभी कभी हमारा भी काम कर देता था करीब, उसको मैंने भेजा। उन्होंने कहा फ़ौरन जाओ, बेगम साहब यहाँ चाय पियेंगी, तो उनका बर्तन चाय वगैरह सब उठा लाओ इधर। तो यहीं वो भागता हुआ गया, ले आया। ये आ गई, अब ये कहीं शॉपिंग में कर रही थी, चढ़ते हुए आ गई, अब पड़ता हुआ सारा आके कहते हैं कि अच्छा तो बैठ गए चाय पीने। तो अब सहेलियाँ उसकी कह रही, नजमा ये तुम्हारा कज़न, तुम्हारा टेस्ट बहुत मिलता है, देखो ना जो प्यालियाँ हमारे घर में। फिर वो बिस्किट थे नाइस, वो भी उठा लाया। तो उन्होंने कहा देखो बिस्किट भी वही खाता है जो तुम। अच्छा जी फिलहाल तो तुमने शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा, वो हैरान हो गया। उन्होंने कहा शादी किस बात की है, बर्तन मिल गए तो बदल। बाद में शादी हुई, शादी के बाद उसको अच्छा। फिर उसके बाद वो एक मैं जब शादी हो गई तो फिर खाना दोपहर का तो वो रोज़ मैं खाता था और तरस खाता था कि स्कूल भी जाती है, पढ़ाने भी जाती है, फिर आगे आंडिया भी पकाती है। तो बड़ा मैं तो एक दिन मैं छुट्टी थी या मैं गया नहीं ऑफिस, तो मैं निकला तो बाहर ट्रे लेके खड़ा है। खान आपका कहाँ है? मैंने को हमारा घर पकता है। नहीं आप रोज आता है। अच्छा। तो वो होटल से मंगा के ना कह जाती थी कि 12 बजे खाना ले दे। अच्छा। तो ये शादी के बाद उनको बातें बताई। अब मैं जो वो करती है मैं फॉलो करता हूँ, ये है साथ रहने का फायदा। वो एक्सचेंज हो गया, रोल चेंज हो गया। बड़ी जगहों पे वो मुझे बताती थी, मैं जब पढ़ाता था तो मैंने मुझे किसी ने सिफारिश की कि मेरी बच्ची के एक नंबर कम है, और वो नंबर अगर आप दे देंगे तो उसको फलानी जगह एडमिशन मिल जाएगा। तो मैं घर आके जिक्र किया नजमा से, उन्होंने कहा कि ये कभी ना करना,
वो चूंकि टीचर थी, उन्होंने कहा कि ये कभी ये जिंदगी में जिसका एक नंबर वेट कर रहा है वो केस कर देगा। तो मुझे बहुत सी चीजें उसने सिखाई भी कि अच्छा मेरे तजुर्बा नहीं था कि एजुकेट कैसे, एजुकेशन में या कॉलेज में पढ़ाते कैसे। आप बहुत जल्दी शादी से एकदम जंप मार के आप प्रेजेंट टाइम पे आ गए। हाँ जी, मैं तो बीच में भी बीच तो में था कि आपका कैसे रिलेशनशिप डेवलप हुआ? फिर ऐसे हुआ कि चूंकि पैसे इतने होते नहीं थे जी, अब शादी हो गई है तो स्कूटर भी नहीं अच्छा लग रहा, वेस्पा होता था मेरे पास, तो गाड़ी लेनी चाहिए, तो गाड़ी किससे लें, गाड़ी के पैसे नहीं है। तो रशीद उमर थानवी साहब ने अपनी गाड़ी बेची 6,500 रुपये की, उसमें भी हमने 3,000 कैश दिया, उन्होंने कहा बाकी किस्तों में दे देना। अब वो चले ना सुबह धक्का लगे, बड़ा अजीब व गरीब, लेकिन हमने इंजॉय बहुत किया। हाँ, इसी तरह तो मज़े आते हैं, इसी तरह तो मज़े आते हैं। वो एक दफ़ा मैं एफेट में था तो घर लिया एक, तो वो ना उसमें गेट, ना उसमें बिजली, ना उसमें गैस, हमने कहा ये किधर आ गए, उन्होंने कहा सर ये आप ही लगवाए हैं, अब मैं तो ये किराए पे लिया, किराया मालक मकान कर रहा है, मैं एयर कमोडोर मैं उसमें काम करता रहा हूँ। तो हमने फिर ऑनेस्ट बंदा होगा जो उसका घर तो फिर लगवा दिया, फिर वो चढ़ा भी, तो वो एक गाड़ी थी उसको खुद स्टार्ट, जो गाड़ी खुद स्टार्ट हो जाए सेल्फ स्टार्ट, हम उसको बड़ा अप्रिशिएट करते, तो ठीक कर दी बगैर धक्के के, धक्के के। अब वो चल के तो वो एक साहब आया, उन्होंने कहा फारूक साहब आप जा रहे हैं, मेरी बेटी भी आपके नजमा को और बच्चों को छोड़ने जा रहा था स्कूल, अच्छा तो ये भी वहीं पढ़ती है तो इसको भी वहीं ड्रा, अब मैं सेल्फ ही ना लगे गाड़ी, वो उनके अब्बा चले गए होते, मैंने कहा उनको बुला के लाओ, धक्का धक्का। उन्होंने उसके बाद नहीं भेजा, कहने का मकसद है फिर हम लाहौर चले गए, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, फिर शेख साहब की गाड़ी ले गए, बड़ा मज़ा आता था लाइफ में, वो ऐसा इन्जॉयमेंट जो है ना हमने नहीं देखा। अब हमारे और फिर नजमा का, मेरी बीवी का सबसे बड़ा क्रेडिट है कि मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कब जवान हुए, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ली, उनको पढ़ाया, उनको तरबियत दी, टीच किया थ्रू आउट टीच आउट। तो मुझे किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तो दो बात पूछा ये किसी और प्रोग्राम के, तो मैंने कहा मेरी मेरी बीवी मेरे साथ नाश्ता करे, उन्होंने कहा नाश्ता नहीं करते, मैंने कहा कभी चांस ही नहीं, वो स्कूल भागती है मैं दफ्तर भागता हूँ, तो नाश्ते। तो फिर दूसरा किसी और चैनल ने पूछा तो आपकी ख्वाहिश क्या है, मैंने कहा मैं शादी करूँ एक और हैं, तो उसने कहा मैंने कहा पूरा फिक्रा सुने, शादी मैं अपनी बीवी से ही करूँ दोबारा, और वो सारे काम करूँ जो मैंने अपनी लाइफ में मिस किए हैं, जो मैं अपनी मसरूफियत की वजह से वो सर अंजाम नहीं दे सका, वो मेरा दिल करता है। तो दिस इज़ ट्रू, हम अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं, इतना काम करते हैं, जुनून होता है ना काम, एक जुनून होता है काम करने का, और उसमें कभी कभी ख्याल आता है, आजकल मैं कहता हूँ कि मेरी डॉक्टर भी वही है, मुझे उठाना भी जरूर उठ, ये करो वो करो फलाना उठो तुम फलाना है, ये यानी तकरीबन सारी चीज़ें कमांड उसके हाथ में, और हम इंजॉय भी बहुत करते हैं, लड़ते भी बहुत हैं, लड़ते भी अच्छा तीन सेकंड के लिए, मैं नहीं मानती वैसे वो भी आप दोनों की इतनी दोस्ती, वो भी है ऐसी कहते, लेकिन बहरहाल मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि आप अपने मुलाजम से भी सीखते हैं, जो आपके साथ रहता है उससे बहुत कुछ सीखते हैं, ना माने तो ये अच्छी बात नहीं, मानना चाहिए, एतराफ़ करना चाहिए क्या क्या सीखते हैं, और हमने अपनी बेगम से बहुत कुछ सीखा, बच्चों से भी तो सीखते हैं, बच्चों से तो बहुत ज़्यादा सीखते हैं, बच्चों से तो। अब बच्चों की थोड़ी बात बताएं, एक बेटी मेरी अमेरिका में शान, और एक बेटी मेरी यहीं पर है, जिसने कमेंट किया, जिसने कहा, अब वो मैं वो इतनी एडवांस हैं कि मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा बेटे एक फिक्रा लिखना है, लोगों का शुक्रिया अदा करना है, एक पैराग्राफ लिख के दो, वो मुझे वहाँ से भेजती है पैराग्राफ, वो लर्न करते हैं, अच्छा जी तो मज़ा आता है अपनी कुछ और बड़ी, वो हमसे एडवांस है इस मामले में, वो कंप्यूटर में एडवांस है, मॉडर्न लैंग्वेजेस में बहुत आगे निकल गए, यही मेरे बेटे का हाल है, वो कंप्यूटर में जो है ना, हाँ वो बड़ा, वो इतना घुसा हुआ है, मुझे अली आपका जो है वो याद आ जाता है, वो भी ऐसा ही है, उसका नाम भी अली है, तो वो उससे ये चीज़ मैं कभी बुरा नहीं मनाता, मैं कहता हूँ भाई देख हम इसमें नाड़ी हैं, हमें नहीं पता, हाँ मेरे वाला, वो कहते हैं आपका काम, मैंने कहा मेरे वाला काम तुमने क्यों नहीं किया, करते ना। एक प्रोग्राम में वो मुझे छोड़ने जाता था, डॉन टीवी का कर रहे थे, तो हम लोग, मैंने कहा तुम यहीं बैठ जा करो, एक क्लासरूम है बेअदब क्लास में बैठ जा करो, कहते मैं मैंने बोलना चुनना, मैंने कहा नहीं तुम्हारा मैं बगैर बोलने वाला रोल लिखूँ, तो हमने रखा कि एक IMF का बंदा पीछे बैठा हुआ है अच्छा वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो उसको बना दिया अब वो बाहर आया
किसी ने पूछा खाला ने कि बेटे टीवी में तुम सुना आ रहा है देखा, कहते बस आंटी क्या बताऊँ इतनी पॉपुलरिटी हर जॉब का बंदा रोक लेता है। वो बेटी भी बहुत है, उसने कहा सर मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती मैं क्या करूँ अब एक लफ्ज़ नहीं बोला। तो कहने का मकसद है कि बच्चों से हम बहुत आजकल के बच्चों से ही तो सीखेंगे ना, वो आजकल के बच्चे हैं, हम पुराने उस दौर के। हज़रत अली का ये कॉल है कि आने वाले बच्चे की का एहतराम करो क्योंकि वो उस दौर का है, आप पिछले दौर के हैं, तो आप जब उससे मिलेंगे तो उस दौर की बातें सीखेंगे। दिस इज़ ट्रू। आप फैमिली में आपस में सारे बहुत क्लोज हैं ना? जी हाँ, फैमिली में हम हैं। और आप हैरान होंगे कि मैं चूँकि सैयद फैमिली है तो हम ऑर्थोडॉक्स यानी अपने, मैं अकेला इसमें आया बहाने, राइटिंग के बहाने में आ गया, फिर उसके बाद लेकिन सबको कायल किया। हाँ। कि ये फैमिली में ना, फैमिली में। हाँ। ये कायल किया कि ये भी एक तरीका है कम्युनिकेशन का, एक्सप्रेशन का, हाँ। का। और उसमें फिर उन्होंने नोट भी किया, आपका तो सबसे रिश्तेदार क्रिटिक होते हैं, फिर उनको पता चला। अब मुझे कल जो अवार्ड मिला है मुझे इतने खुशी होती है, सबने बहुत मुबारकबाद। तो वो सेलिब्रेशन एक होगी। आप अपने बच्चों को कितनी खुशी होगी? बच्चों को तो बहुत ही, उन्होंने लाइव देखा सारा कुछ। और रोते रहे कि अबू व्हील चेयर पर, मैंने कहा बेटे वो एक बस समझा करो, टेम्पररी चीज़ थी। मैं भी अरे को यही बता रही थी कि बिल्कुल ठीक ठाक चलते फिरते हैं, ये इत्तफाक की बात है। मैंने कहा वो जानबूझ के वो हमने ऐसे किया, वो बहुत चल के जाना पड़ता है, वो असल तो मसला था कि सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना, वहाँ मुझे डर लग रहा था। तो मैंने कहा मैंने अपना कंफर्ट देखना चाहिए, और आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, तो वो बहरहाल वो मैं कह रहा हूँ बच्चे, एक छोटा सा एक और वाक्य, मैं हम अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में डॉक्टर्स की, पता नहीं लाखों की तादाद, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। उन्होंने मुझे कहा कि फ़ोन आया कि जी आपको बुलाना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी मैं तो टीम मेरी आएगी तो टीम के वीज़े, उन्होंने कहा वो वीज़े तो वो तो टाइम लगता है। मैंने कहा जी मेरा और मेरी बेगम का वीज़ा तो है, उनके लगवाने पड़ेंगे। कह रहे जी वो टाइम नहीं है, 4 जुलाई को हमने आपको यहाँ परफॉर्म करवाना है। अच्छा, तो ये जून का आखिरी हफ्ता था। मैंने कहा शायद तो उन्होंने हो नहीं सकता। उन्होंने कहा आप अकेले ही आ जाएं। हाँ। हम वो हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो बड़े अरसे से अमेरिका में हैं, वो आपका प्रोग्राम देख के तो पुराना याद करते हैं, तो वो आपसे कोई क्वेश्चन ही कर लेंगे, उनके आंसर। मैंने हाँ, तो अब मैं फंस गया। अच्छा। मैंने कहा जी टिकट, उन्होंने नेट पे दे दिया, वो टिकट के पैसे जमा हो गए। अब मैं हर जगह फंसता जाऊँ, मैंने कहा जाना पड़ेगा। अब मैं चला गया, मैं परेशान हो जाता हूँ क्योंकि मुझे कोई असाइनमेंट मिले तो उसको अच्छे तरीके से अधूरा नहीं, मेरा पता नहीं अंदर एक तबीयत है। आप भी बहुत परफेक्शनिस्ट है। तो बहरहाल मैंने अपने वीडियो पे इस तरह तैयार करके USB पे रखा कि उनको बोर नहीं होने देना, लेक्चर सुनने थोड़ी आए मेरे। तो खैर जी हम जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऑरलैंडो जाना है तुमने, तो फलाना उतरोगे शिकागो फ्रांस से फ्लाइट। तो मैंने कहा मुझसे नहीं सामान उठाया जाएगा, मैंने तो डायरेक्ट फ्लाइट। उन्होंने कहा डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं। फिर उनको पता चला कि मेरे बच्चे वहाँ, उन्होंने कहे तो आपके बच्चे वहाँ पर जॉर्जिया में या अटलांटा में वहाँ। मैंने कहा बिस्मिल्लाह वहाँ का दे दो। हाँ। मैं वहाँ से बाई रोड आ जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है। मैं चले गए, बच्चे इतने खुश हुए, रिसीव किया, अब हम जा रहे हैं ऑरलैंडो गाड़ी में। अच्छा, शान और अली। हाँ। कर दिए। तो अब वो रास्ते में मुझे मेरी बेटी कहती है वो खामोश से क्यों। मैंने कहा बेटे फिक्र लगा हुआ, जहाँ जाके परफॉर्म करना है, वहाँ मैं क्या गुफ्तगू करूँगा, मुझसे क्वेश्चन करेंगे, चलें ठीक है, लेकिन असल तो शो है, कैरेक्टर्स नहीं, असल तो शो है जो। तो कहते हम कर लेंगे। मैंने कहा तुम कैसे करोगे, तुम्हें पता है सब पता है जी। हमने वहाँ पर शो किया, पोज दिया, वो मुझे पीछे पड़ गए डॉक्टर, आप तो कहते थे टीम के बगैर, ये कैसे किया ये, उन्होंने कैरेक्टर्स ले लिए, करेक्टर्स ले लिए और इतने परफेक्ट किए। मैं हैरान हो गया, मेरा बेटा सरगम बना। अच्छा, वो मेरे कद का है। हाँ। वो मैं कहूँ वो एक्शन वही। मैंने कहा कहाँ से सीखे, कहते हैं ये आपको सारी जिंदगी। मैंने देखिए जरा पता भी नहीं चलता बच्चे कब पिक कर लेते। मैंने उनसे कहा कि फिर ये प्रोफेशन क्यों नहीं ज्वाइन किया, तो फिगरा सुनेगा, कहते आपका अशर देखा। मैं उस कहते मैं वैसे शौक किया। अब ये बच्चे हैं आजकल के और वो कमाल है, हमें हम ऑब्जर्व नहीं करते उनको, उनकी हरकत देखनी चाहिए, ये करते क्या है। और बहरहाल वो शो हुआ, उनको यकीन है, उन्होंने कहा आप शिकागो में भी करें, आपके तो घर में है सारे। वो मैंने कहा वापस जाना। मैंने बच्चे कहेंगे अब तो फंस गए, फंस गया। लेकिन मुझे ये बड़ा लगा कि ये ऑब्जर्व कर लिया उन्होंने, ऑब्जर्व करते हैं, हमें नहीं पता चलता, हम उन पर उनके बिलीव ही नहीं करते, हमारा उन पर वो ट्रस्ट ही नहीं। लेकिन वो हमसे भी आगे हैं, एडवांस है,
इतना अच्छा किया, एक मासी बन गई, मेरी बेटी ने लाइव कर दिया ये जिंदगी हसीन है सरगम के साथ। वो लोगों ने उन्हें कही, उन्होंने कहा आप तो कह रहे टीम कोई नहीं, वो मैंने कहा ये रास्ते में बनी है, ये ऑरलैंडो के रास्ते ये जिंदगी हसीन है, देख ना ले हम जरा सा। तो ये इसमें आपको पता ही है, तकरार कर रहे हैं कि जिंदगी हसीन है, वो कहता है मवाल है, हम ये करते हैं। लेकिन ये फिर मेरी बेटी ने परफॉर्म किया वहाँ पर, जो लड़की वाला मासी वाला कमाल है। और मेरी बेगम ऑटोग्राफ दे दे के थक गई लोग उसको मासी मुसीबत के, उसने भी नहीं बताया, कहते लोग मुझे कह रहे थे तो मैं क्यों। फिर वहाँ इंटरव्यू हुआ वॉइस ऑफ अमेरिका का, वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप तो, हम तो कह रहे थे टीम, आप टीम। मैंने कहा ये रास्ते में सीखे, मुझे नहीं पता था ये बच्चे इतने ऑब्जर्वेंट होते हैं कि हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और ये देखते रहते हैं, हमें तो कभी इसने ज़िंदगी में नहीं बताया। ये है आजकल के नई जनरेशन। आप ये बताएं कि वो बाहर रहते हैं, आप यहाँ पर हैं, आप जाते हैं समर में या मतलब कुछ कुछ देर रहते हैं वहाँ पर, वहाँ रहना कैसा लगता है, यहाँ रहना कैसा लगता है, क्या चीज़ है जो अट्रैक्ट करती है इस तरह की? मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ कि बहुत से लोगों के साथ ये सिचुएशन है आजकल, बहुत फैमिली जो है वो ग्लोबल हो गई हुई हैं, और पहले तो ये बड़ी बात होती थी कोई जाता था बाहर, आजकल सारे ही नेट पे चल रहा होता है। तो आपको क्या चीज़ है जो अट्रैक्ट करती है कि यहाँ रहे? चेंज हो गया, एक ज़माना था मिल के रहते थे सारे, और उसमें खराबियाँ भी बहुत थी। मोबाइल फ़ोन ले लें, एक फ़ोन घर में होता था, किसने उठाना है ये भी बताया होता था कि आपके अलावा इसी ने फ़ोन उठाना था। अब वो चेंज हो गया सर, अब हर बंदे के पास अकेले अपना अकेले रहने का मोबाइल फ़ोन से हम ले लेना, अकेला ही लगा हुआ है सर, अकेला रहने तो वो हम जाते हैं जब आए, बेटी भी वहीं है, बेटा भी वहीं है, बहू भी वहीं है, बहुत खातर करते हैं, लेकिन हमारा दिल पाकिस्तान में ही लगता है। हम जाते हैं दो महीना क्या के, ओ कहते हैं अबू आपने अगर दो महीने से पहले, तो 15 दिन के बाद कहते हैं भाई ज़्यादा तो जान जा। तो फिर वहाँ पर वो कोशिश भी करते हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी में 2-3 जगह बात भी की कि हम, मैं आपको अपने एंगल से आपको कम्युनिकेशन भी बताऊंगा कि हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, और पपेट्री जो कि आप बहुत एडवांस हैं जिसमें, वो उसके लिए हमने कैसे इस्तेमाल किया, वो बड़ा। तो वो एक दो जगह लगते, वो उन्होंने कोशिश करते हैं हमारा दिल लगा रहा है। फिर एक जगह उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर जान के बनवाया मुझे, वो बड़ा अच्छा था वैसे, उन्होंने क्योंकि बिजी रहे आना, लेकिन दिल नहीं लगता, दिल यहीं लगता है वापस। दिल लगना क्या, वो कि यहाँ
मुझे किसी ने कहा कि वहाँ बड़े पैसे मिलते हैं, मैंने कहा क्या मिलते, उसने कहा ये पैसे वो पैसे, मैंने कहा तो कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा मैं पाकिस्तान कहते हैं इतने पैसे आप पाकिस्तान में, क्या मेरी लैंग्वेज के पैसे, मेरे रिश्तेदारों से मिलने के पैसे, मेरे अपने घर में रहने के पैसे, मेरी सब्जी लेने के, मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है यार। तो दिस इज़ ट्रू, अपना मुल्क है, अगर उसमें आपको तब तसल्ली होती है अगर आप कोई कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे ठंड पड़ती है, ठंड पड़ती है। जैसे कि आप बड़ी मिसाल बैठी हुई है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, खुश होता हूँ कि खातून होने के नाते जो जिम्मेदारियाँ आप पे घरेलू और आप उसके बावजूद अनथक, जब भी डॉक्टर साहब से देखो वो काम में है, कभी कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी ऑफिस में, कभी ये तो ये सेटिस्फेक्शन आपको देगी। और वही बात है ना, पाकिस्तान में रहने की या बाहर रहने की चॉइसेस होती हैं, राइट राइट, और इंसान कॉन्शियसली चॉइस करता है। यहाँ पर लोग मासूम भी हैं, मैं अक्सर कॉलम लिखता हूँ, मजाक भी लिखता हूँ कि मेरा खत लिखा कि मेरा दिल नहीं लग रहा क्योंकि ना यहाँ गंद है ना कूड़ा है, तो सांस लेता हूँ तो फेफड़े परेशान हो जाते हैं, तो फिलहाल तो फिर आगे से बेगम कहती है कि इस बार जाओगे तो प्लास्टिक में थोड़ा सा कूड़ा ले जाना, थोड़ी सी चीज़ें जब भी वतन की याद आए तो वो सूंघ लिया करना। दिस इज़ ट्रू, ये है। फिर अमेरिकन सोसाइटी पे कि वो कैसे रहते हैं, अमेरिका में हमने एक चीज़ देखी कि ऐसे फजूल फुटपाथ बनाए हुए हैं क्योंकि कोई सड़क पे तो चलता ही नहीं है, सारी गाड़ियां हैं, तो सर्वन क्वार्टर भी नहीं बने। उन्होंने कहा बहुत दो तीन चार चीज़ें हैं जो हमने ऐसे खाम हो यहाँ बनाई क्योंकि तो बड़ा मज़ा भी आता है कंपैरिजन करता हूँ, मेरे लिए कॉलम का बड़ा अच्छा बनता है कि यहाँ क्या देखा और वहाँ क्या, पता ये चलता है कि हम शेर सुन लेना, एक सरगम का है कि हमने साइंस में तरक्की यूं तेज कर ली, साइंस पढ़ते रहे वो, हमने परचेज कर ली। तो हमारा उनका ये है कि ठीक है, अल्लाह मियाँ ने उनके जिम्मे ये काम लगाया, हमारे जिम्मे। तो आपने वो गोरा साहब वाला कैरेक्टर उल्टा नहीं कर लिया? उल्टा नहीं, फिर उल्टा कर दिया ना कि सरगम जाके गोरे के देश में देखता है और बताता है उसको कि ये खामी है आपके, ये उधर नहीं है हमारे यहाँ, तो फला मजाक में था लेकिन बहुत लोगों ने बड़ा इंजॉय किया। और वो प्रॉब्लम ही हो गया, वो फिर एक खातून गई हुई थी, उनका उन्होंने डांसर थी, और लोगों ने हूटिंग शुरू कर दी, वो कहे मैं वापस भेजे मुझे, वो रो पड़ी, वो रूबी न्याजी अब बहुत हो गई है। ये कहाँ पर हो रहा था शो? 18 स्टेट में किया ना। अच्छा, वहाँ पर तो हाँ, तो वो पहले ही वाशिंगटन में ही, अच्छा, पहले शो पे ही वो परेशान हो गई लोगों ने हूटिंग। तो फिर उसने मुझे कहा, अख्तर ने जब मुझे लेके गया हुआ था, उसने कहा कि फारूक साहब इसका क्या, ये तो वापस, मैंने कहा सरगम के साथ नथी कर दो उसको। अच्छा, उनका आइटम अलग था, वो मैंने उनका वो डांसर थी ना, वो सेपरेट आइटम, वो सेपरेट नहीं, लोगों ने लोग इंडियन आपका शो साथ, हमारे, अच्छा नहीं, वो हमारे शो के हिस्से में थी, मगर उनका सेपरेट था, शौकत अली और बहुत से लोग सिंगर्स थे और चीज़। अच्छा, तो आप, मेरा एक बीच में था सरगम का, तो लोग खड़े हो जाते थे, लोगों को शौक था देखने का, तो उसको लड़की को बुला लिया कि तुम इस शो के साथ चिपक जाओ, अब तुम्हें उलट करना है, अब अच्छा। तुम अमेरिका में रहते हो, ये पाकिस्तान से आया है, अच्छा। तो राम राम, तो बड़ा मज़ा, तो फिर वो बड़ा हिट हो गया, उसको याद भी हो गया। वो कहती थी मैं याद कैसे करूँ, मैं दफा करो तुम, मैं एक रिपोर्टर बन जाओ, क्या कागज़ पर सवाल लिखा करो, आगे से जवाब मैं दे दिया करूँगा। वो इतना हिट हुआ, वो कहें इसको बड़ा करें, मैंने कहा, और बड़े मज़े भी आए वहाँ पर, एक जगह लड़ते भी बहुत थे, आर्टिस्ट लड़ पड़ते थे, अच्छा, वो सुरैया खानम लड़ पड़ी वो एक और से कि ये गाना मैंने गाना था, ये पहले गा गई, ये फलां, इस तरह की लड़ाइयाँ। तो एक जगह उन्होंने बाइकॉट कर दिया, मुझे शिकागो में हम शो कर रहे थे, तो मुझे उन्होंने कहा आप क्या करें, वो सेट नहीं लगा मेरा जो छोटा, अच्छा, लगता था पपेट का, मैंने कहा कोई नहीं बड़ा वाला है बड़ा, मैंने कहा मास्क लाया हूँ, पहनेगा कौन? तो सुरैया खानम के मियाँ ने कहा मैं पहनूंगा। हमने कहा ठीक है, अच्छा। मैंने कहा लोगों को पता थोड़ी चल रहा है अंदर कौन, पहना दिया ये, मैं बोलूंगा तो तुमने बस ये हिलाना है। वो बहुत अच्छा हो गया। बाद में उसने किसी ने कहा कि इसमें आपके मियाँ थे, वो तो उस पर चढ़ाई कर दी, उसने गुस्सा हो गया, ओके तुम, मैंने वो कहे मेरे लिए आनर है फारूक साहब के सरगम के अंदर मैं, उन्हें कहा लोगों को कौन सा पता चला लिखो के साथ, लेकिन बड़ा मजा आता था। कहने का मकसद ये है कि हमने ये ब्लेंड अप कर लेते थे ना सारी चीजों को, ये जो जितना भी काम है वो मतलब ऐसे कई दफा हमें लगता है कि हम काम में बिजी रहे, फैमिली को टाइम, मगर ये इतना ब्लेंड इन होता है कि मेरे ख्याल है कि फैमिली भी आपके साथ ट्रैवल कर रही होती है, आपके करियर में आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, ये सारा आपस में गड़बड़ ही होता है, कोई इतना सेपरेशन नहीं होती है।
आप आखिर में, अब हम कंक्लूड कर रहे हैं अपने इस बैठक को, रिश्तों के बारे में मुझे बताइए, क्योंकि मैं, मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान जो एक मुझे बहुत कशिश है, आपकी उन बातों से मैं भी रिलेट करती हूँ, क्योंकि मैं भी बाहर जाती हूँ फिर वापस आ जाती हूँ, बाहर जाती हूँ फिर वापस आ जाती हूँ, लेकिन जो सबसे कीमती चीज़ मुझे पाकिस्तान की लगती है वो पाकिस्तान में जो रिश्ते हैं उसके बारे में। और आपकी फैमिली को मैंने देखा है, इतनी प्यारी फैमिली है, इतने क्लोजनेस है, और आपका जुनून भी साथ लेके चलती है, उनके अपने भी हैं। रिश्तों के बारे में कुछ कहिए, आपकी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, अभी आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, आप जो भी हमें इनसाइट देना चाहें, क्या कहेंगे रिश्तों? मैं रिश्तों में सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो है रिस्पेक्ट, जो रिश्ता है उसकी रिस्पेक्ट। तो फिर उसमें मुझे दूसरा जो एंगल लगा कि जैसे शादी है, अब बीवी है आपकी या मियाँ है, ये इनको काम बांट लेना चाहिए। और हमसे ये गैर इरादी तौर पे हुआ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। मेरी बेगम ने कहा कि इनकी एजुकेशन और इनको ये मेरे ज़िम्मे है, और मुझे नहीं पता कि आप तनख्वाह कहाँ से। तो 1000 तनख्वाह थी मेरी, और फिर मैंने टीवी में काम किया, और जनरल आप हैरान होंगे कि मेरी सबसे बड़ी फ़ैन मेरी बेगम है। मैंने कहा तुम किस चीज़ की फ़ैन हो मेरे? उसने कहा कि मैं रात को अक्सर 2 बजे आँख खुलती थी, तो आप बिस्तर पर नहीं होते थे, तो मैं जाते थे आप ड्राइंग रूम में लिख रहे होते थे और फिर सुबह तक लिख रहे हैं। तो मैंने कहा मैं 4 प्रोग्रामों के लिए लिखता था। तो उसको ये रिश्तों की रिस्पेक्ट जो है ना, ये रिश्ते बनाती है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कहेंगे ना देंगे, यानी कि मुझे बीवी का पता होना चाहिए कि इसको क्या चीज़ अच्छी, क्या रिस्पेक्ट, तो वो उसका मुझे पता होना चाहिए। ये बहन भाइयों में भी ऐसे ही है। बहन भाई जो मेरे, मैं बड़े तल्ख किस्म के वो भी तजिए भी करता हूँ कि बहन भाइयों के रिश्ते जो हैं वो शादी से पहले होते हैं, शादी के बाद एक तीसरा पर्सन आ जाता है जिसको कहते हैं बीवी। अब बीवी एक सेपरेट चीज़ है, उसकी डिमांड और है। हमारे यहाँ, हमारी तरह छोड़ें अपनी बच्चियों के, हमारे माशरे में बच्चियाँ पैदा हुई हैं, फौरन काम पे लगा दिया, बच्चे को उठा, भाई को उठा लिया, फिर रही हैं, बाप है सर पे एक, यानी कि आपके पास गार्ड है सर पे, फिर उसके बाद भाई हैं आपके, रिस्ट्रिक्शंस हैं आप ये, फिर आप घर का काम करना है। फिर उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है अपना घर, ये किसी को नहीं पता। अपना घर, घर तो है, फिर वो अपना हो। जब आप घर में चले जाएंगे वहाँ सास आएगी, फिर उनकी नहीं बनेगी। वो कह रही मेरा अपना होना चाहिए। तो मैं इजाज़त देता हूँ कि बेटे ये तुम्हारा घर है, ये मैंने ले, तुम इसमें रहो, बिल भी तुमने देने हैं, किचन भी तुमने चलाना है, तुम्हें पता चले लाइफ में है क्या और कैसे खड़ा होना है। वो रही कामयाब रहा और वो खुश भी हैं। हम कभी इंटरफियर नहीं करते कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। रिस्पेक्ट है, तो रिस्पेक्ट नहीं है तो कोई रिश्ते बेसिक कोर कोई रिश्ते। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरती से आपने मेरे ख्याल है इसको समाप्त किया, क्योंकि मेरा दिल था कि सिर्फ हम पपेट्री की बात ना करें, हम फारूक कैसर साहब की ज़िंदगी की भी बातें करें। सो मेरे ख्याल है यहाँ पर हम इसको समेटते हैं। बिल्कुल सही, वरना तो लगे रहेंगे तो। मगर मज़ा बहुत आया, बहुत मज़ा आया, इतनी इनसाइट्स मिली। फिर मैं अपने साथ जो हमारे साथी हैं जो हमारे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं उनसे कहूँगी कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी करें, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का जो PNC ऑफिशियल का पेज है, शेयर भी करें। इस तरह की जो महफिलें होती हैं, जैसे भी हालात हैं उसमें आप हमारे पास नहीं आ सकते, तो हम ही आपके पास आते हैं, ऑनलाइन रहेंगे। अपने साथियों से शेयर करते रहिएगा, और फारूक साहब के लिए जितनी दुआएँ आई हैं आपके कॉमेंट्स में, जितनी तारीफ़ें आई हैं, जितने क्वेश्चन आए हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें, वो इनको हम बताते जा रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और फारूक साहब आपको तो सलाम। थैंक यू, आपको सलाम मेरी तरफ से, और आपकी फैमिली को भी सलाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।